मिर्ची 98.3 पे, दिस इज पूजा दिस साइड. और अभी हम बात कर रहे हैं नवरचना से, दो बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी से. यस, हमारे साथ में है वीरल वैष्णव एंड गिरी शर्मा जी. सो वेलकम 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 गिरी सर. यस गिरी जी, कैसे हैं? हाय हाय, गुड आफ्टरनून. वेरी गुड आफ्टरनून. सो आपसे मुझे जानना है कि व्हाट आर द हैंग आउट प्लेसेस इन नवरचना, मे बी योर फेवरेट, और ऐसी कोई चीजें जहाँ पे हैंग आउट प्लेसेस बहुत हैं. नवरचना का जो कैंपस प्लान और बिल्ड किया गया है, उसमें पहले तो 3-4 फूड आउटलेट्स हैं. एक टी स्पॉट है, एक गॉसिप है जिसका नाम ही गॉसिप है. क्या बात है. सो गॉसिप इज द फेवरेट हैंगआउट प्लेस ऑफ मोस्ट ऑफ अस. मेरा पर्सनल फेवरेट है वो ब्रिज. देयर इज अ वेरी इनोवेटिव काइंड ऑफ अ ब्रिज विच लिंक्स बोथ द बिल्डिंग्स, द फ्रंट ऑफ द कैंपस विद द रियर ऑफ द कैंपस. एंड दैट ब्रिज हैज गॉट वुडन बेंचेस. Wow. And those wooden benches are very picturesque. अभी मैं, काश मैं आर्टिस्ट होता, मेरे पास ऐसे शब्द होते जो मैं ड्रॉ करके दे सकता था. Simple way में, you feel you're sitting in Paris. Yes, yes. And it is interspersed with a lot of greenery. तो वो ब्रिज पे बैठ के आपको लगता ही नहीं है कि आप कहाँ पे हो. You are transported in another world. वाह, लेकिन हमारी कन्वर्सेशन जो है वो यहाँ पे ही खत्म नहीं होती है. अभी हम वीरल सर से थोड़ी देर में बात करेंगे और वो हमें बताने वाले हैं कि आजकल जो बच्चे हमेशा मोबाइल में रखे रहते हैं या लगे रहते हैं, तो उसके लिए व्हाट नवरचना हैज टू से अबाउट दिस, या व्हाट इज द एक्शन दैट एक्चुअली दे आर प्लानिंग टू टेक और दे हैव ऑलरेडी टेकन. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची 98.3, मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश.